हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन केसरी। तो देखिए, आज की मेरी जो वीडियो है, मेरी वीडियो है कि आप छोटे पॉट में कौन कौन से प्लांट और कैसे लगा सकते हो। तो आज की मेरी वीडियो इसी को लेकर है कि हम जिनके पास जो है जगह की कमी होती है, बालकनी में कम जगह होती है, छोटी बालकनी होती है, तो उनको जो है इन पौधों की ज़रूर आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बड़े प्लांट को वो रख नहीं सकते। तो छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं उनको आप रख कर अपना फ्रेंड्स, जो छोटे छोटे पॉट होते हैं उनमें प्लांट को ग्रो करना बहुत आसान होता है। पर हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से पौधे कितने बड़े पॉट में लग सकते हैं और हम इनको कैसे छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम बड़े प्लांट को छोटे पॉट में ऐड कर दे तो वो नहीं चल पाएगा। तो हमें पौधों के नाम पता होना बहुत ज़रूरी है जो कि छोटे पॉट में लगने वाले होते हैं। तो मैंने देखे यहाँ पर एक मटकी में, छोटी सी में ये लगाए हुए हैं और कितने अच्छे से बुशी वे प्लांट हो रहा है, चल रहा है। तो ये पूरी मटकी को यहाँ पर कवर कर ही लेगा। तो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है इसमें, ये बॉलविंग जो है यहाँ पर देखे, मैंने कैसे छोटी सी मटकी में इसमें लगाया है। मैंने इसको पूरा यहाँ पर पूरा सेट बना दिया है। कुछ घर का मटेरियल ही है, वेस्ट मटेरियल जो पड़ा हुआ होता है। तो ड्रेसिना का जो पौधा होता है, ड्रेसिना का पौधा भी बहुत आराम से चल जाता है छोटे पॉट में। ये बॉलविंग जो है यहाँ पर देखिए, 2 ही इंच की जो है यहाँ पर, और इसमें देखिए मैंने कटिंग लगाई थी यहाँ पर, और तो देख कितने अच्छे से इसमें से निकल चुकी है। तो ये इसकी ही पिंक वैरायटी है प्लांट की। तो इसको जो है, इसको छोटी छोटी मटकी में भी आप आराम से ग्रो कर सकते हो। ये यहाँ पर देखिए वॉन्डरिंग जू को भी आप छोटे से इसमें ग्रो कर सकते हो। मैंने इसको यहाँ पर वो बोतल कट करके इसमें लगाया हुआ है, तो इसको भी आराम से ग्रो किया जाता है छोटे से छोटे पॉट में। ये सभी यहाँ पर वॉल्विंग जू की ही कटिंग लगी हुई है। और एक ये प्लांट है यहाँ पर, ये यहाँ पर रियो फैमिली से बिलोंग करने वाले प्लांट है, इनको भी आप छोटे से उसमें लगा सकते हो। मैंने इसको एक मटकी में लगाया हुआ है, तो यहाँ पर देखे कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है ये प्लांट। यहाँ पर भी ये देखिए बॉलविंग जू की ये दूसरी वैरायटी है। तो ये दोनों ही वैरायटी मेरे पास बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो प्लांट हैं आप इनको छोटे से पॉट में ग्रो कर सकते हो। मेरा यहाँ पर सब वेस्ट मटेरियल ही है। यहाँ पर देखिए नारियल के ऑयल की डब्बी थी, मैंने इसमें भी इसको लगा दिया। तो ये सभी वेस्ट मटेरियल में मैंने लगाया हुआ है और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं सभी प्लांट जो मैंने कटिंग से भी तैयार किए हैं। और यहाँ पर आता है फ्रेंड्स कैक्टस। कैक्टस के भी पौधे को आप छोटे से छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हो। यहाँ पर देखिए इसकी छोटी सी लीव भी ग्रो हो जाती है, तो आप इसको भी बहुत ही आसान तरीके से छोटे से पॉट में ग्रो कर सकते हो। ये भी बहुत सी वैरायटी में आता है। जिनके पास जगह की कमी होती है तो वो इन प्लांटों का चयन ज़रूर करें। इन प्लांट्स को जो है अपने बालकनी में, अपने घर में ज़रूर ऐड करें जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो। ये यहाँ पर जो है रियो फैमिली के ही सभी प्लांट है फ्रेंड्स। आप इनको जो है छोटे से छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हो। और इनके इतने सारे पप्स निकलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, तो आप इनको पप निकाल कर इनको ग्रो कर सकते हो अपने प्लांट में। यहाँ पर बड़ी वैरायटी है इसकी रियो फैमिली की ही है, जो कि ऊपर से ग्रीन और नीचे से वाइन कलर में होते हैं सभी। तो आप इनको छोटे गमले में, छोटे पॉट में आराम से ग्रो कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये है यहाँ पर पर्पल हार्ड को जो है इसको भी छोटे से पॉट में ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। इसको भी, इससे भी छोटे पॉट में आप इसको ग्रो कर सकते हो, क्योंकि इसकी छोटी सी कटिंग आप लगाओगे तो आपके गार्डन बहुत आराम से ग्रो हो जाएगा। परमानेंट प्लांट होते हैं ये सभी। मेरे पास जितने भी प्लांट हैं सभी परमानेंट ही हैं, जो कि सालों साल हमारे गार्डन में बने रहते हैं। तो आप इनको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें और छोटे से छोटे पॉट में आप इनको ज़रूर ग्रो करें। और यहाँ पर आता है फ्रेंड्स कोलियस। कोलियस का पौधा भी आप छोटे पॉट में ग्रो करोगे तो छोटा प्लांट बनेगा। मैंने इसको देखे यहाँ पर 5 से 6 इंच के पॉट में इसको ग्रो किया हुआ है, और देखिए कितना अच्छे से बुशी प्लांट हो रहा है। तो आप इसको भी 8 से 9 इंच के या 5 से 6 इंच के पॉट में इसको ग्रो कर सकते हो। आराम से ये ग्रो हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से बूसी बन जाएगा। तो ये अगर आपको बड़ा प्लांट चाहिए तो ये आप जो है ये बड़े उसमें लगाना पड़ेगा, तो इसका ही रूप बड़ा भी बन जाएगा। तो आप इसको छोटे पॉट में आराम से ग्रो कर सकते हो। ये बड़े पॉट में, छोटे पॉट में, दोनों में ही आराम से चल जाता है पौधा। तो आप इसको भी ज़रूर ऐड करें। और एक ये पौधा है फ्रेंड्स अजवाइन। अजवाइन का पौधा भी जो है छोटे से पॉट में बहुत आसान तरीके से ग्रो हो जाएगा। आप इसकी छोटी सी कटिंग लेकर लगा दोगे तो
ये बहुत ही आसान तरीके से चल जाएगा अजवाइन का प्लांट। तो आप इसको भी अपने गार्डन में छोटे से पोट में ग्रो कर सकते हो। ये सभी छोटे पोट में ग्रो होने वाले प्लांट होते हैं। और एक ये फ्रेरेंस फ्लावरिंग प्लांट, इसको भी आप छोटे छोटे पोट में ग्रो कर सकते हो। इसको भी ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। आप इसको 5 से 6 इंच के पोट में भी इसको ग्रो कर सकते हो। मैंने इसको ग्रो किया हुआ है यहाँ पर, और इसकी छोटी सी कटिंग भी आप लगा सकते हो। छोटी सी कटिंग से भी ये ग्रो हो जाएगा प्लांट। और एक ये प्लांट है फ्रेंड्स मदर ऑफ थाउजेंड, ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसके जो है नीचे गिर के ऐसे छोटी छोटी लीव्स लग जाती हैं, तो इसको आप छोटे से छोटे पोट में बहुत आराम से ग्रो कर सकते हो। ये एक सैकुलेंट प्लांट होता है और इसको ऐड करना बहुत ही आसान होता है। आप इसका एक प्लांट लेकर आ जाओ तो एक प्लांट से ही आप इसके बहुत से प्लांट बनाकर तैयार कर लोगे। और फ्रेंड्स इसी में जो है ये लगी हुई है यहाँ पर कटिंग जेड प्लांट की। जेड प्लांट को जो है ये भी छोटी सी कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है और छोटे से छोटे पोट में चलने वाले हैं। तो इन दोनों पौधों को आप कटिंग से बहुत आराम तरीके से ग्रो कर सकते हो और छोटे से पोट में लगाकर अपने घर को जो है खूबसूरत बना सकते हो। और ये फ्रेंड्स यहाँ पर पर्सलिन प्लांट, तो देखिए फ्लावर इसके कितने खूबसूरत आते हैं। ये गर्मियों का प्लांट होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। तो इसकी भी छोटी से छोटी 2 से 3 इंच की कटिंग आप लेकर लगा लो तो ये भी बहुत आसान तरीके से ग्रो हो जाएगी और बहुत ईजी तरीके से ये छोटे से छोटे पोट में ग्रो हो जाएगा। मैंने इसको 3 से 4 इंच की टोकरी में इसको लगाया हुआ है और देखिए फ्लावरिंग कितने अच्छे से आ रहे हैं इस पौधे पर। तो आप इसकी भी छोटी से कटिंग लेकर छोटे से छोटे पोट में इसको ग्रो कर सकते हो। तो आप इसको भी ऐड करें। बोलविंग जू का प्लांट जो होता है, इसको भी बहुत ही आसान होता है छोटे से पोट में ग्रो करना। ये टोपियारी की तरह अपना शेप लेकर रखता है प्लांट। तो आप इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें छोटे से पोट में, जो कि बिल्कुल ही बहुत ही छोटा पोट में ग्रो होने वाला प्लांट होता है। तो आप इसको भी ज़रूर ऐड करें। और एक ही प्लांट है फ्रेंड्स, नाम मुझे मालूम है पर फ़िलहाल मेरे माइंड में नहीं आ रहा, तो मैं भूल चुकी हूँ फ़िलहाल इसका नाम। तो इस प्लांट को भी आप छोटे से छोटे पोट में ग्रो कर सकते हो और फ्लावरिंग ये बहुत ही खूबसूरत इसकी फ्लावरिंग होती है। छोटे छोटे फूल इस पर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे इसकी कलियाँ बनी हुई है। ये भी एक परमानेंट प्लांट होता है, अगर हम इसको सिक्योर करके रखेंगे तो ये परमानेंट प्लांट है। तो आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो और छोटे से छोटे पोट में ग्रो होने वाला प्लांट है जिसके फूल जो है बहुत ही ज़्यादा आते हैं। अब सर्दियों में इसके फूल बहुत ज़्यादा आएंगे, ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है प्लांट। तो आप इसको भी ज़रूर ऐड करें। और ये फ्रेंड्स यहाँ पर मॉस रोज के जो है बहुत से फूल खिलते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आप इसको जो है छोटे से छोटे पोट में ग्रो कर सकते हो। मेरे यहाँ पर इसके बहुत से फूल हैं, बहुत से कलर आए हुए हैं जो, तो आप इसको भी ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में। और इसके फूल जो हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मेरे यहाँ पर भी पुराने हो चुके हैं पौधे, तो इनका जो है ये गर्मियों के फ्लावर होते हैं और बरसात के, तो ये अब सर्दी आने वाली है तो सर्दियों में ये नहीं चलेंगे। तो आप गर्मियों में इन पौधों की भी जो है खूबसूरती देख सकते हो, इनको छोटे से छोटे पोट में ग्रो कर सकते हो। ये है फ्रेंड्स यहाँ पर कलेंचो, कलेंचो को देखिए कितना खूबसूरत प्लांट होता है। आप इसको भी छोटे से छोटे पोट में ग्रो कर सकते हो। मैंने बोतल कट करके इसमें इसको लगाया हुआ है। तो सर्दियों में ये जो है फ्लावरिंग करता है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आती है इसके ऊपर। और पूरी गर्मियों जो है मैं अपनी लीव से खूबसूरती देता है। इसकी लीव्स जो है बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है इसकी लीव्स। तो आप इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर सकते हो छोटे पोट में। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये सभी यहाँ पर पत्थर चड्डा की वैरायटी रखी हुई है, तो ये पत्थर चड्डा की जो वैरायटी है आप इनको भी ग्रो कर सकते हो। ये पब से ग्रो होने वाले, पब से भी ग्रो होते हैं और जो है ये कटिंग से अपनी लीव्स पर जो है ऐसे पौधे बनाकर रखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर देखिए मैंने इसके बहुत से पौधे बनाए हुए हैं और अभी भी इस पर इतने पौधे बनकर तैयार हो रहे हैं कि मैं सोच रही हूँ कि इनको कहाँ पर लगाऊँ। और इतना बड़ा प्लांट जो है मेरे एक छोटी सी बोतल में लगा हुआ है, देखिए आप। तो आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो छोटे से छोटे पोट में और बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है। और ये यहाँ पर डेवल्स बैकबोन जो होता है इसकी भी बहुत सी वैरायटी होती है और छोटे से छोटे पोट में इसको ग्रो किया जाता है। ये भी आप इसको भी ग्रो कर सकते हो, इसको जहाँ भी आप इसकी कोई भी कटिंग लगा दोगे तो ये वहीं से चलने लगेगी।
तो छोटे से छोटे पॉट में आप इसको भी ग्रो कर सकते हो। टेबल्स बैकबोन के पौधे को कोई भी वैरायटी हो आप उसी को लगा सकते हो। एलोवेरा का पौधा भी आप छोटे से पॉट में ग्रो कर सकते हो। मैंने यहाँ पर बोतल कट करके इसको लगाया हुआ है, तो इसको भी लगाना बहुत ही आसान होता है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, जहाँ पर आपके यहाँ पर स्पेस कम है। तो आप ऐसे पौधे लगाकर, ऐसे पौधों का चयन कर जो छोटे से छोटे पॉट में ग्रो होने वाले पौधे होते हैं, तो उससे जो है अपने घर के, अपने गार्डन की खूबसूरती बढ़ा सकते हो। तो आप भी अपने गार्डन छोटे सी जगह में अपना एक खूबसूरत गार्डन बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, जिनके पास भी स्पेस कम है, तो आप इन पौधों का चयन ज़रूर करें छोटे से छोटे पॉट में लगाने के लिए, जिससे कि आपके पौधे बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होकर चलेंगे। तो आप इन पौधों का चयन ज़रूर करें और लगाने के लिए जो जो भी मैंने बताए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। तो ओके गाइज, बाय।